जी अफशा जी डोनाल्ड ट्रंप अडियाला जेल से आजाद हो गए अमेरिका वैसे केड़ी अडियाला मैं, मैंने क्या ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मैंने मिक्स कर दिया सॉरी 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 मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए एक दफा फिर नहीं, आपको नहीं। खुशी नहीं हुई इस बात की असल बात तो यह है कि आपने एक तबके की उमंगों उम्मीदों और जज्बात को मतलब बयान कर दिया मतलब नहीं, नहीं, मैं, मैं तहरीक इंसाफ और उनके जो वोटर्सोटर्स है मुझे तो... नहीं, ये क्या, एक तबका, एक तबका क्या होता है आप जीओ टीवी में काम कर रही है <laughs> सिर्फ जियो तो नहीं हर हर चैनल मतलब ये आप सरकारी चैनल पे में, में मीडिया में काम <laughs> नहीं तो वरना हाँ। तो आप कहेंगी कि अपना बानी डोनाल्ड जो है वो दोबारा सदर वो तो बानी नहीं है वैसे आ, लेकिन अहम बात ये है काशी साहब के पहले अमरीकी मुदाखलत

मुस्लिम लीग नून का पॉपुलिज्म नजर नहीं आता बेचारे पीटीआई अब तो मतलब ये क्या है सारा कुछ मेरे सुन, सुन तो लेना अच्छा। पहले आपने उनको खुद जो है वो चूलियाँ खिलाई और मतलब खिलाई हाँ। और क्या पाल पोस्ट कर जवान किया और फिर ट्रेनिंग हुई फिर खुद ही इंटर्नशिप हुई उ, उ, उनको कहा कि ठीक वही है पर वही है अब आपने बस उनको कह दिया कि वो तो बस उनसे ज्यादा बुरा है ही कोई नहीं जमीन पर ये आप सारा कुछ मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हैं क्योंकि इतन... जिन्होंने किया मैं उनको कुछ कह नहीं सकता तो मैं आदि को कसूरवार <laughs> ठहराऊं काशी साहब आपने कहा कि ट्रंप आ गया है आ, वापस जो के हमारा मीडिया कह रहा है और ए, हमारे से मुराद है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ये कहा जा रहा था इन लोगों के निकाले जाने पर कि अब पॉपुलिज्म आखिरी दमों पर है ओ होते या फिर मुड़ के आगे मेरा सवाल ये है कि पॉपुलिज्म मरा कब था कि ये वापस आ गया है आपने इतनी अहम बात की है कि अभी जो सब आपने मजाक हैं है, है। टॉन्ट की मैं भूल गया मैंने आपको मैं आपने कलम तोड़ दिया आपने कूजे में समंदर को बंद कर दिया ये बात करके बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत आपको ये बताती है कि आपने ये जो भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम दिया हिस्ट्री की ग्रेट पॉलिटिकल मूवमेंट इट वाज अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप और टू सम समस्टेंट मैं ये कहूंगा कि उसमें ये पावर थी कि दुनिया की एक बड़ी स्ट्रांग डेमोक्रेसी के अंदर उन्होंने उन्हीं के बनाए हुए पैटर्नस में रहते हुए पॉपुलिज्म ऐसे सामने तो इट मीन्स कि ये हम ओवर सिंप्लीफाई कर रहे थे ये कह के कि जी पॉपुलिस्ट जो होते हैं बेवकूफ़ होते हैं यूथिया उनके लिए लफ्ज़ मैं ऑन एयर आज ऐलान करता हूं कि मैं दोबारा ये लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने से मैंने गलती की मैं मैं गुबरा हो गया था अफशा मैं आपको सच बताऊं मैं बह गया मैं बह गया था क्योंकि ये एक माइंड है जो उधर इंडिया में भाजपा जिसको हवा दे रहा है तो उनके सपोर्टर्स भी ऐसे ही पागल हैं

आ कैसे गया जबकि हमें मीडिया सोशल मीडिया ये, ये बता रहे थे कि ट्रंप नहीं आएगा या ये वो ये तो अब मैं ये सवाल कैसे आ गया नहीं मैं मुझे आप बताएं मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूं जी पॉपुलिज्म इतना डीप रूटेड है अबल तो उसको पॉपुलिज्म कहना नहीं चाहिए ठीक है उसको हम सिर्फ टैग कर देते हैं ये जो अभी पागलपन सामने आ रहा है ना इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये बहुत डीप रोटेड है ये हमारे समाज के अंदर गुंधा हुआ है आप करें ना इसकी पे बात देखें काशी साहब मैं तो यहाँ से शुरू करूँगी कि हमारे यहाँ भी ऐसे सियासतदान हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीनों पर हमें नजर आते हैं लेगेसी मीडिया आ, के ऊपर छाए रहते हैं और वो ये बता रहे होते हैं कि पॉपुलैरिटी हाँ, right? और हाँ? पॉपुलज़म हम मतलब हैं इसी तरह से सीनियर अंत शीद सीनियर तजिया ख़वात हो या मर्द वो भी आपको बता रहे होते हैं टी वी पर बैठ कर के पॉपुलर होना कोई बुरी बात तो नहीं है अगर किसी समाज का एक बड़ा तबका बड़ा तबके को मैं हाईलाइट कर रही हूँ अब वो बड़ा तबका कौन सा होता है मिडिल क्लास को बड़ा तबका समझा जाता है ठीक है आपने ये बात की मैं यहाँ पर आप रुक जाए बात यह है कि वो बड़ा तबका वो होता है जो मीडिया पे सुनाई देता है सुनाई मैं उस तरफ आती हूँ कि अगर किसी समाज का किसी मुल्क का एक बड़ा तबका अगर एक मामले को ओन करता है या एक ख़ास तरह का नज़रिया लेकर चलता है वो नज़रिया पॉपुलर है तो आ, मतलब पॉपुलिज्म कैसे बुरा हो गया और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि उनकी उर्दू और अंग्रेजियाँ अन तखीर ने

यहाँ पर तो यही टर्म इस्तेमाल हुई और उस साइड पर युद्ध वगैरह और ये इंडिया में तो क्या अशराफिया फिर करप्शन 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 जड़ी है ना वो ये सारे अशराफिया मिल बांट कर खा रहे हैं तो और अहम बात ये कि मैं चूंकि मैं ये बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो लिहाजा मैं उस इलीट तबके का नहीं हूँ या नहीं हूँ और मैं उन्हीं लोगों को आपका रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पार्लियामेंट में लाऊंगा जो के एलीट नहीं होंगे और में जो कार्टल नहीं होंगे हां वो कैबिनेट में बैठ के पूछेंगे कि यार ये तो हमारे खिलाफ ही انقلاب आना था हम सारे हम सारे यहाँ आ गए हैं तो, अच्छा उसके बाद ये बात बिल्कुल ठीक है ये नारा बहुत कैची है क्योंकि जो एक एंगर है हमारी मिडिल क्लास का इस अशराफिया के खिलाफ जो है वो बहुत ये दुखती रग है हम सिर्फ मिडिल क्लास कह रहे हैं इसमें लोअर मिडिल क्लास को भी शामिल कर लें लोअर मिडिल क्लास की जो स्ट्रगल होती है वो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ रहा होता है अपनी स्ट्रगल आप मुसलसल कर रहे होते हैं उस तरह से वो बारावर नहीं हो रहे होते हैं मामला तो फिर कहीं तो वो गुस्सा निकालना होता है अच्छा अब इसमें अफसोसनाक बात यह है कि ये जो एक एंगर था हमने देखा कि जो सोशलिस्ट इनकलाब आए <laughs> और नहीं मैं देखिए अब मैं ये मुझे बहुत अफसोस मैंने तो कुछ भी नहीं, नहीं कहा। ये जो एक जेरे लब आपकी मुस्कुराहट थी वो ऐसे तलवार की तरह उसने मैं आई एम हर्ट देखिए कॉमरेड देखिए कॉमरेड मैंने आपको कुछ नहीं कहा नहीं। आप हमारे कॉमरेड हैं हमने पॉपुलिज्म ने किया यही कि जो भी एक मोतबर टर्म थी आइडियोलॉजी थी उसको डिस्टॉर्ट कर दिया ठीक है तो आप वो, वो, वो तो वही बात है कि रेजिस्टेंस के हवाले से फिर जमहूरीत को फिर एहतजाज को फिर सोशलिज़म को मैं मजाक बरतरफ लव्स कॉमरेड को जिस तरह से कचोला पहरा गया है ख़ास तौर पर हमारे जैसे समाजों में आ, मैं क्या बहुत मज़ा आता है अब फाइव स्टार होटल्स की मीटिंग रूम्स में बैठ के जब एक दूसरे को कॉमरेड कहते हैं अपने अगे मिनरल वाटर की बोतल रखी हुई है कितना स्वाद आंद है ना फिर हाई टी भी होती है कॉमरेड

फिर कहते हैं अश्राफिया नेपोटिज्म को हवा देती है इनकी सियासी जमातों के अंदर खानदानी सियासत को किस तरह से बढ़ाया जाता है जो कि सच भी है सच है लेकिन वो अगर मेरी पार्टी के अंदर हो रहा है तो वो सच नहीं है वो कौम और मुल्क की खिदमत है दूसरा करेगा तो मुझे वो गलत मुझे, है मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा खतरनाक बात पे आपने बहुत बात कर फिर स्टेटस को का मामला आ जाता है कि है। है। हम तोड़ेंगे स्टेटस को तोड़े। को बहुत होगी एक दूसरा एलिमेंट जो मैं आपको बताऊं ना वो ये है कि जो मेन एलिमेंट है वो ये है कि नेशनलिज्म किसी भी किस्म का नेशनलिज्म है ना हुँ. उसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है उस उसको वेपनाइज करके हा? उसको यूज किया जाता है उसको नफरत अंगेजी के लिए इश्तियाल अंगेजी के लिए और समाज को छोटी छोटी पॉकेट्स में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नहीं समाज को छोटी पॉकेट्स में ये क्या आपने बात कर दी आप ये देखिए कि जो एक फैशिज्म है ना देखें पॉपुलिज्म और फैशिज्म का और नेशनलिज्म की अगली सीढ़ी जो है वो फैशिज्म की होती है ए, तो ये तो मत एक करें औम, ऐसे मत करें इटली की एग्जांपल जर्मनी की एग्जांपल हिटलर की एक कॉम एक, एक, एक नारा एक मंजिल हिटलर की तरफ रहना आप अगर यहाँ के नेशनलिज्म की बात करेंगी ना तो देखें पाकिस्तान बनने से पहले जो हिंदुस्तान कांग्रेस का जो नेशनलिज्म था वो था टेरिटोरियल मेरा भारत महान और मुसलमानों का नेशनलिज्म क्या था रिलीजियस uh, अब 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 पर पर मोदी जी की आमद के बाद वो नेशनलिज्म एक अजीब कॉम्बिनेशन इस साइड थोड़ा-थोड़ा हमने और, अब, अब हमने जो इश्यूज हैं उनको इधर भी ये, पूरा ये, करना है ये, ये बात आपने, ये, जो आपने बात, ये बात है पॉपुलिज्म के, के मुझे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ठीक है ना तो वो नेशनलिज्म उसके खिलाफ पंजाबी नेशनलिज्म और नेशनलिज्म सरैकी नेशनलिज्म बलोच नेशनलिज्म तो जो, जो ये आप आपके खिलाफ जो आज जुलूस निकलेगा ना इस गुफ्तगू के बाद वो बहुत आ, मुझे मजा आएगा वो हाँ, सब कुछ देखकर सारे कॉमरेड और इंसानी हकूक के जो नहीं अफसोस ये है कि नेशनलिज्म का का अगला चेहरा फैशिज्म है और फिर इसी के साथ ये जुड़ा होता है ना कि जो हमारा साथ दे रहा है सिर्फ वही इंसानी हकूक पर विश्वास है उसका और बाकी नहीं है और जो हमारा साथ दे रहा है वही ही मुहिब वतन है और बाकी सब मत <laughs> मतलब इस तरह की बात करें अच्छा अगली बात अच्छा जी। अगली बात इस अफशा एक दुश्मन एक दुश्मन चाहिए वो आपको हमसाया मुल्क की सूरत में हो या मील दूर बैठा होया कोई और मुल्क हुए वो आप, आपको दिखाना इमिग्रेंट्स भी हो सकते हैं हाँ ओ यस जिस बुनियाद पर ट्रम्प अपनी पिछली टर्म में आया था अब बात यह है कि मसाइल होते हैं समाजों में मसाइल होते हैं रवैयों में मसाइल होते हैं लेकिन उनको किस तरह से वेपनाइज़ करता है एक पॉपुलिस्ट लीडर वो देखने की बात है तो आपने कहा कि एक दुश्मन होता है इसी तरह से एक साजिश भी होती है मेरे खिलाफ साजिश होगी वो बार वाले ने इत्थे वाले वालिया रल के साजिश कर दी वो ट्रम्प हो वो यहाँ पर खान साहब हो वो मतलब किसी और मुल्क की हम बात कर लें मामला यही रहता है कि एक बैरूनी साजिश होगी जिद ना इथे आले ना वो पैसा लेके रले हुए अगर जिन इंग्रेडिएंट्स की आप बात कर रही हैं इनका फायदा तो उठाया वापस आ गया डोनाल्ड ट्रम्प क्या बिगाड़ लिया आपने क्या बिगाड़ लिया आपने इमरान खान भी वापस आएगा क्या बिगाड़ लेंगी आप तो देखिए ट्रंप आ गया है है हाँ। तो सवाल कि 6 जनवरी 2021 के कैपिटल राइट्स वाले जेलों से निकल के आएंगे वो उनकी खान पहले 9 मई के कैदी निकालो फिर मैं बाहर अडियाला से मजाक समझती है अच्छा ठीक है ठीक है मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहती अच्छा अब आपने जैसे बात की

तो मतलब इनके खिलाफ भी एक वो मामला होना चाहिए और फिर उसके अंदर ये आ जाता है ये जो तारीख़ अजीम वाली मैं बात कर रही हूँ फिर भी आ जाता है कि अयूब खान एक डिक्टेटर मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था एक आमर आ, की ना सी फील्ड मार्शल अयूब खान ठीक है ओसे जमाने जी तरक्की सी ना मैार की है कि वो अमरीकी सदर है ना वो एयरपोर्ट पर लैन आता अब उसके अंदर वो जैकी बाजी के जो जब वो यहाँ पर थी या जब ये यह यहाँ वहाँ पर गए वो मामला कभी डिस्कस नहीं होंगे वो नहीं होने चाहिए ठीक है मतलब उस उससे फिर आप गाल किसी और पास निकल जाती है ठीक है आप इधर ही और फिर ये कि बानवे में हम काफ़ी बेहतर थे क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे थे क्रिकेट का तो बानवे के अजम कौन सी इस मुल्क का

आपने अभी बात की थी ना कि थोड़ा थोड़ा टेरिटोरियल नेशनलिज्म वाले भी अब इधर वो आइडेंटिटी के लिए अब शुरू हो गए हैं उस तरह से क्या फर्क है कि आप पाकिस्तान में किसी एक तंदूर पर खड़े हुए अफगान को पकड़े और उसको कहें कि तुम नारा लगाओ और क्या फर्क है आ, वो एक बहुत साल पहले मूवी आई थी गदर था उसका नाम सनी देओल की जो थी और जब नारा लवादे ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहो तुम तो वो कहता है कि नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद लेकिन मैं वो ये नहीं कह सकता क्या फर्क है इन दोनों में और फिर जो इंडिया में जिस तरह से जय श्री राम के नारे जिस तरह से दलित मुसलमानों को टॉर्चर करके उनसे नारे लगवाए जाते हैं ये जो वीडियो आ रही हैं कि अगर लंगर भी तकसीम हो रहा है अगर खाना भी दिया जा रहा है वो मुसलमानों को तो पहले वो नारा लगाएंगे तो फिर उनको वो खाना दिया जाएगा और फिर जो हाँ जी। जो आपने ये जो आपने एग्जाम्पल दी ना मैं मन माफी जाता हूँ वापस लेता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के ही सपोर्टर्स हैं जो इस तरीके से नेशनलिज्म को जो एक हमारा एक टिपिकल रियाती ब्रांड है ना नेशनलिज्म का उसको सेलिब्रेट करें आपने जितने एलिमेंट्स इनवाइ मैं उससे अग्री करता हूं लेकिन मैं फिर यह कहूंगा कि इन एलिमेंट्स को अगर हम जहन में रखें तो हमें यह अंदाजा होता है कि हर रियासत दुनिया की जिसमें जो जमहूरियत के तहत चल रही है उस स्टेट की या उस सोसाइटी की माइंडसेट में ये पेट्रियार की नेशनलिज्म का ये कॉन्सेप्ट इतना डीप रूटेड है एनमी का ये कॉन्सेप्ट इतना डीप रूटेड है कि पॉपुलिज्म ने और उसको कुछ नहीं करना होता एक राइट से फार राइट की तरफ लेकर के जाना होता है उसके लिए क्रिज़मेटिक करिस्मेटिक होना जरूरी है आ, बोटो साफ चले ले... तो धरती हिले नहीं ذوالفقار अली भुट्टो साहब का जो एक आ, 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 लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म था आप जो मर्जी कह ले उनकी शख्सियत के करिस्मे से आप इंकार नहीं कर सकती एग्जैक्टली इमरान खान के करिस्मे से हर कोई इस वक्त चाहता ही है कि वो इमरान खान बन के सामने आए <laughs> बानी बनी पीटीआई कहना था इमरान खान ठीक है हम तो नहीं बैठे हुए ना आ, मैं इस पे ज्यादा मैं कुछ कहूंगी तो फिर आप उसको काट ही देंगे मैं مزید इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ इमरान खान ही लोग बनना चाहते लोग इमरान रियाज खान भी बनना चाहते बात वही है ना अभी ये देखें मुझे मोहलत दो मैं ये बात मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि वो इतना डीप हमारी ट्रेनिंग के अंदर मौजूद है, गैरत, है।, है मुझे बहुत म... मजा आता आ, है जब कोई तहरीक हकूक के नाम पे शुरू होती है ना तो उसमें खात आपको जरूर नजर आती है जैसी वो कामयाब होती है किचन में भी औरत दुश्मनी और आई मीन ये गैरत और आ, मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगा लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके कितना कंड है आपका समाजी एटमोसफियर फॉर एनी काइंड ऑफ पॉपुलिज्म और देखे, नहीं, नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलने दें मुझे बोलने दें कि नौ मई वाला पॉपुलिज्म अब बात यह नहीं है कि पॉपुलिज्म बुरा है अब बात यह है ही नहीं कि राइट बुरा है या लेफ्ट बुरा है सियासत तो में आइडियोलॉजी राइट हो गए अब तो ये है कि हमारा जरा हिंदुस्तान पर छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी मिनट नहीं छोड़ने के लिए बम बनाया था जो हिंदुस्तान साहब छोड़ेंगे साहब उसी अट्ठाईस मई का नारा लगाने वालों के दौर में यहाँ आए थे और वो आप लाहौर में हुई आप हुई आपकी जो कॉन्ट्रोडिक्शन है ना ये एक मिनट हम, इसको सहन करने की अपने अंदर ताकत पैदा करें जिन आप। जिनको आप 28 मई का ताना दे रहे हैं वो तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की जानी भी जाना चाह रहे हैं ताजिर बिरादरी होती है उनको इस तरह के कॉन्ट्रोडिक्शन कुछ नहीं कहते वो एक लम्हे में जहाँ तजारत है इंडिया से अच्छा दोस्ती कोई नहीं अगले लम्हे में जहाँ पर उनके वही ये ये जो आप गिनवा रही थी नेशनलिज्म गद्दारी रिलीजन कार्ड वो ऐसी भरपूर ट्रेनिंग है कि उस ट्रेनिंग वो जैसे वो सामने आएगी तो वो तो कह देंगे कि मैंने अभी सुना एक एक टीवी चैनल पे बैठ के एक बड़े साहब के ये ये जो है ना वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है ये पाकिस्तान के मुनाफी है एक मिनट मेरी बात सुने हाँ, अब जरा मुझे भी बोल लेने दें थोड़ा सा इस मामले पे क्योंकि आप अपना केस बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो इंडिया और ये और वो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा आपको जवाब तो दिया जो रिलीजन कार्ड की आप बात कर रहे हैं कि हाँ मैं वहां पर आपसे इतफाक करती हूँ कि ये रिलीजन कार्ड जो इमरान खान एंड कंपनी इस्तेमाल करती है वो गलत है और थोड़ा थोड़ा जो मज़हब हम देते हैं वो ठीक है ठीक है ये ये रवैया गलत है हाँ लेकिन पीपल्स पार्टी

गया दौरे सरमायादारी गया तमाशा दिखा अच्छा। के मदारी गया तो अच्छा। यहां पर तो लेफ्ट तो, तो नहीं अब सिर्फ राइट की देखिये बात ही, ही है एक जो मजहब कार्ड की बात मजहब तो कार्ड प्लीज 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 पार्लियामेंट में मजहब कार्ड खेलना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों की तरफ से क्या फर्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉपुलिज्म में मुस्लिम लीग नून के पॉपुलिज्म में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉपुलिज्म में एटलीस्ट इमरान खान पॉपुलर तो है आप तो पॉपुलर भी नहीं है भाई इमरान खान से लोग मोहब्बत तो करते हैं ना ठीक है ना, ना? सोलिन सॉरी अच्छा स्मॉग ओके okay. तो मैं आग... बात आ, मैं आपको जवाब दे देती हूँ क्या फर्क है खान साहब अपने ख्याल में बहुत फोकस्ड और बहुत क्लियर हैं। उनको पता है कि इन्हू बंदूक दिन नशिस्तें बैठाना है ठीक है उन्होंने अगर किसी हजूम को भेजना है तो वो बंदे का नाम बताते हैं और ये हालात और मामलात पैदा करते हैं ऐसे इश्तियाल दिलवाते हैं मजहब के नाम पर और बाकी पार्टीज ने कहा है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हम सबको इसके अंदर घसी देंगे फिर यही कहूंगा कि आप नाम मत लें इमरान खान या इधर कोई नून लीग का या पीपल्स पार्टी का मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस फिनोमिनन को समझने की कोशिश करें कि ये जो पॉपुलिज्म है ये कितना डीप रूटेड है वो हम समझ रहे हैं और सब पॉलिटिकल पार्टीज इसको फॉलो कर रही हैं हम इस हम उन पर क्रिटिसिजम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उनको ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वाकई आप इस पॉपुलिज्म को समझते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी को हाईजैक कर चुका है तबाह बर्बाद कर चुका है पूरे समाज को इसने इसनेतहा पसंद, पसंद बना दिया है तो आप मेहरबानी करें कुछ थोड़ा सा रहम करें कि आप सियासत के अंदर मतलब मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आज से कुछ दस पंद्रह बीस साल पहले प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट आ, एक एक मौकाफ़ होता था कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौकाफ़ होता था जयाले का एक मौक़ होता था आज ये बात हो रही है कि मिनिस्टर्स हमें आके बता रहे हैं कि अच्छी प्राइवेटाइजेशन के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने ये फैसला ये बात है नहीं कि पब्लिक इंटरेस्ट का कोई काम रियासत ने करना कि नहीं करना मैं इसको कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि ये कंड्यूसिव मामला कहीं जुड़ जाते हैं जाके एक हमारे समाज की हिस्ट्री उसकी एक रिग्रेसिव अप्रोच और दूसरी तरफ ये जो एक आप फिर मेरा मजाक उड़ाती हैं इस बात के ऊपर मैं हर बात के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी को लेकर के आ जाता हूं सच्ची बात यह है कि ये जो एक न्यू लिबरल इकोनॉमी का यह जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है वो सपोर्ट करता है इस तरह की डिस्ट्रॉशन को कि डेमोक्रेसी उनको वारे नहीं आती उनको मिडिल क्लास की आवाज़ गूंज देना उसको एको देना आता है ये टैक्स जॉइंट्स क्या करते हैं उनकी आवाज को सुनवाते हैं हमें जो मिडिल क्लास वर्किंग क्लास है वर्किंग क्लास की बेस पर ही डोनाल्ड ट्रंप साहब आए ना

आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वो दो तीन जमात ने ना उन्होंने कर दो है रवादारी मार्च है तो वो नहीं उस पर उस तरह से बात नहीं होगी रवादारी मार्च हुआ क्यों वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर वो हुआ कैसे आपके अपने एम एन एम पी ए जाकर सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं कत्ल को क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या उनको डी सीट करवाने के मामले पर नहीं इस मामले में सारे पेटी भाई एक हो जाते हैं फिर वो हम सहाफत की बात कर लें 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 वो 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 हम हम सियासत की की बात कर लें, वो हम की बात कर कर किसी भी भी और शोबे पेटी भाई ना नहीं हो नहीं, आप पता नहीं फिर नहीं चुप हो जाए प्लीज खुदा का बात खत्म हो गई है अच्छा दी एंड बस अब इंतजार करें डोनाल्ड ट्रंप का फोन आएगा यहाँ पर वो परेशान है कि फोन करना किसको है वरना फोन कर चुका होता अब तक कि छोड़ दो इमरान खान को नहीं तो ये जो भंगड़े शंगड़े डालने वाले वॉक्स कर रहे हैं कुछ लोग के लाहौर में इतना जश्न मनाया गया ट्रंप के आने पे तो मठियाइयाँ जा रही हैं वो तो मैं वही तो बात करता था लोग

Absolutely not. तो नहीं, फिर ए ना हो जाए कि मैं एक कानून साजी पर बात करू हां मैं प्रोपेगेंडा कर रही हूँ मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं। नहीं। बात अवी हाथियां खेडिया कर रहे जिस ज <laughs>